अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ मिनाल खान के बेबी शावर की कुछ वीडियोस शेयर करूंगी, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। क्योंकि मिनाल खान का पहला बेबी था, तो मिनाल खान तो अपनी हर छोटी से छोटी खुशी को भी बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट करती हैं। इसी वजह से उन्होंने बेबी शावर की अनाउंसमेंट की थी। पहले तो वो नहीं करना चाह रही थी क्योंकि उन्हें पहले बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा था। इस बार तो ऐमन खान ने भी ऐसा ही किया था। ऐमन खान ने भी अपनी प्रेगनेंसी से रिलेटेड कोई भी न्यूज़ सोशल मीडिया पर आने ही नहीं दी, जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी डाउट था। लेकिन कुछ लोगों को तो पहले ही पता चल चुका था कि अमल मुनीब का भाई या बहन होने वाला है। और लोगों को तब सच का पता चला था जब मुनीब भट्ट ने अपने ऑफिशियल अकाउंट पर आकर अपनी दूसरी बेटी के पैदा होने की खुशखबरी सबको दी और साथ में नाम भी बताया। लेकिन अभी तक ऐमन खान ने अपनी दूसरी बेटी का फेस रिवील नहीं किया। ऐमन खान ने यहाँ यही कहा था कि सोशल मीडिया पर उन्होंने पहले भी अमल की बार हर न्यूज़ को शेयर किया था, जो कि उनकी सबसे बड़ी गलती थी। काफ़ी लोगों ने उन्हें तनकीद भी की थी। इस बार वो ऐसा कुछ नहीं करेंगी। अगर मिनाल खान की बात करें तो मिनाल खान ने अपनी बेबी शावर को बहुत ज़्यादा धूमधाम से किया था क्योंकि उनका पहला बेबी था और वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। लेकिन उन्होंने इस बारे में अपने फैंस के साथ शेयर नहीं किया और ना ही वीडियोज़ और पिक्चर्स में सामने आई। लेकिन यहाँ ऐमन खान को मिनाल खान के बेबी शावर पर जाते हुए देखा गया था और साथ में उनकी बेटी भी थी जिसका नाम मिरल है। आप लोगों को मिनाल खान और ऐमन खान दोनों से कौन अच्छा लगता है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।